दोस्तों, आज आप लोग को बता दूं कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला था। मुझे एक ब्लॉक के नाम से मुझे एक कॉल आया, उसने बोला कि आपका कि सर 4 बार का पीएम किसान का पैसा रुका हुआ है, तो आप किस अकाउंट में लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ये है साइबर क्राइम, और बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, क्योंकि मेरी दुकान पर भी 2-4 लेडीज इसी सिलसिले में आई थी कि मेरा पैसा कट गया है। तो मैंने उसे पूछा था कि आखिर क्यों कटा है, तो उसने मुझे बोला कि मैंने उसे OTP बताया था कुछ। हम बोले ठीक है, इसीलिए उसका पैसा कटा। तो आप लोग हमेशा सावधान रहें, किसी भी बैंक से आपको कॉल नहीं आ सकता है, नहीं किसी ऐप के द्वारा आ सकता है, जैसे फोनपे, पेटीएम, गूगल पे, भीम पे, जो भी है इससे आपको कॉल नहीं आ सकता है कि आपको मतलब हम पैसे डाल रहे हैं। उसने मुझे कॉल किया, आप राहुल कुमार बोल रहे हैं, आपका पिता का नाम उमेश सिंह, आप कुमारखंड ब्लॉक से बोल रहे हैं, तो आप किस अकाउंट में पैसा लेना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला कि मेरा जिसमें आ रहा था मैं तो उसी में लूँगा। तो उसने बोला किस में, तो मैंने पूछ बोल दिया सेंट्रल बैंक, बैंक बोलने से कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद उसने बोला कि नहीं, इसमें आपका नहीं जा रहा है, सो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट चला रहे हैं। तो बोले हाँ चला रहे हैं। तो इतना होने के बाद उसने बोला कि आप चलिए सबसे पहले आप इसमें फ़ोनपे चलाते हैं। तो मैंने बोला हाँ मैं फ़ोनपे चला रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझे बोला कि आप तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए। तो मेरा दिमाग पूरा शॉर्ट हो गया, अरे साला प्ले स्टोर पर क्यों जाना है। मैंने बोला ठीक है जा रहा हूँ। तो मैं गया नहीं, मैं सिर्फ सुन रहा था, प्ले स्टोर पर गया। एनीडेक्स उसने बोला, एनीडेक्स जिस तरह से मुझे बोला, तो एनीडेक्स मैं यूज किया हूँ। एनीडेक्स इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप किसी और के फ़ोन, लैपटॉप, इसको आप अपने कंट्रोल में ले लो। तो उसने बोला कि आप एनीडेक्स डाउनलोड करो। मैंने बोला कि ठीक है, मैंने डाउनलोड किया। उसने बोला कि कोई 9 डिजिट का कोड आ रहा है, तो उसमें 9 या 10 डिजिट का कोड आता है, जो आप उस पार्टी को बताइएगा तो आपका फ़ोन पूरा का पूरा हैक हो जाएगा। आप अपने जेब में भी फ़ोन रख लोगे तो आपके फ़ोन से पैसा का गोल मतलब होता रहेगा। आप कुछ देर के बाद यदि फ़ोन देखोगे तो आप रोना शुरू कर दो, क्योंकि आपके सारा पैसा लूल हो चुका होगा। तो इसीलिए आप लोग सावधान रहें और सुरक्षित रहें। फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब आपको कभी कॉल नहीं करेगा। और आप लोग को मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो मैंने आज बात उन लोग से किया, वो जो मुझे कॉल किया। हाँ, बस इस बात पे आप लोग ध्यान ना दें, क्योंकि मैंने उसमें गाली उसे कुछ अभद्र टाइप का दिया, तो इस पर नज़रअंदाज कर दें। और उसमें जो समझने वाली चीज़ है उसको आप लोग समझ लीजिएगा, गाली पे कृपया ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के ही लिए मैं आज रिकॉर्ड किया हूँ। मैं तो सोच रहा था कि मुझे ऐसा कभी कॉल आए, लड़का सब बोलता था ना, बोले अरे भाई मुझे कॉल नहीं आता। तो आज मैंने इस बात को रिकॉर्ड किया, और मैंने उसे लास्ट में एनीडेक्स नंबर मांगने के बाद मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि मैं उसे आगे बात करूं। इसलिए मैंने उसे एकदम चुनौता, एकदम स्पेशल वाली गाली उसकी माँ लगा के मैंने दिया। तो इसके लिए सॉरी। आप लोग इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, पूरा का पूरा शेयर कीजिए, जिसे जानकारी ना हो सबको जानकारी हो जाए इस मैटर में। तो आप लोग सुनिए अब रिकॉर्डिंग, फिर लास्ट में मैं कुछ बताऊँगा। पीएम किसान का पैसा कितना बार मिला है आपको? स्टेटमेंट देखना पड़ेगा ना, उतना याद रहता है। सर अपना खाता ऑनलाइन KYC भी विजिट नहीं करवाए थे खाता को अपना? ना। सर पीएम किसान का पैसा आपका 8,000 रुका हुआ है, पैसा आपका खाते में भेज रहे, पैसा नहीं जा रहा आपका खाते में, करना क्या है? KYC ऑनलाइन करना है सर। कैसे? क्या बोले? कैसे करना होगा? जैसे इस पे डिबिटेड करवाना पड़ेगा, जैसे पेमेंट जो लेते हैं किसमें लेते हैं आप? इसी में लेते हैं, किसमें लेंगे? कुमारखंड गांव से बोल रहे हैं आप? हाँ, कुमारखंड से ही। तो इस पे पैसा जो भेजेंगे तो इससे आप पहले कौन सा बैंक में मिल रहा था पैसा आपको किसान वाला? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल का? तो इस पे आपका डिबिटेड करवाना पड़ेगा सर। डाकघर वाला खाता खुलवाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का? खुलवाया हुआ है। कौन सा बैंक का? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। वो किसका है? मेरा है। किसका है? तो उसका IPP मोबाइल ऐप से होता है, उसका IPP मोबाइल ऐप से यूज करते हैं? नहीं। तो पेमेंट फिर किसमें करेंगे? फोन पे चलाते हैं तो फोन पे में कर देंगे। चलाते हैं ना, यही नंबर पे? इसी नंबर पे जी। तो हम इस पे आपका डायरेक्टली में KYC ऑनलाइन कर दे रहे हैं, तो पेमेंट चला जाएगा। मोबाइल का प्ले स्टोर खोलिए, प्ले स्टोर समझते हैं? हाँ समझते हैं। हाँ प्ले स्टोर खोलिए, मैं डिबिटेड KYC जोड़ दे रहे हैं। प्ले स्टोर अपना ओपन कीजिए। हाँ वहाँ पे सर्च में लिखिए ANY। हाँ ANY। ANY। हाँ हाँ ANY। हाँ उसको सर्च करो, ANY को सर्च करो। हाँ एनीडेक्स कुछ करके आ रहा है। हाँ उसको डाउनलोडिंग करो। हो रहा है। ये फार्म आपका अप्लाई करवाने में कितना दिन हुआ था आपका? हाँ हो गया था, पता नहीं याद नहीं उतना। क्या याद नहीं है? कितना दिन हुआ ही नहीं। हाँ हो गया, ओपन करे क्या? हाँ ओपन करो।
ओपन करने के बाद क्या आ रहा है लिखा हुआ? इसमें कुछ आ रहा है, कुछ नंबर आ रहा है। उसका नीचे में, उसका ऊपर में क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है कोई। हाँ तो वहाँ पे नीचे में केवासी नंबर होगा, 9 नंबर आया है ना। हाँ बोलिए, केवासी नंबर बोलिए। रे तोरी माई के चोदा हूँ, तू एनी एक्सिस में लोड करवा के, हाँ तू मेरा मोबाइल हैक करना चाहता है। तोरी माई के बूर में चोदो मादर चोद, तोरी माई। इसीलिए आप सबसे ये निवेदन है कि कोई आपको फोन करे, खास करके इतना तो समझ लीजिए अभी के टाइम में ना, आप यदि किसी को 10 रुपया दिए हैं ना, उसे मांगिएगा आप ना, तो वो आपको 10 बात सुना देता है। तो क्या लगता है आपको, किसी और आपको पैसा देने आ रहा है? वो भी 8,000 या 10,000 की बात है, वो आपको एक फूटी कौड़ी देने के लिए ऐसा नहीं करता है। जैसी आप एनी डेस्क पे आपको 1 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए बोलेगा, आप 1 रुपये ट्रांसफ़र कीजिएगा, उसमें आप पासवर्ड डालिएगा, उसे पता चल जाएगा आपके फ़ोन पे का ये पासवर्ड है, और वहाँ से ही आपके फ़ोन पे को वो एक नंबर आपके अकाउंट को हॉल जीरो कर देगा, जीरो। इसीलिए आप लोग अपने बैंक के पैसे को यदि बचाना चाहते हैं तो कृपया करके किसी भी अनजान व्यक्ति को ना पासवर्ड बताएं, ना एनी डेस्क ओपन करके उसके फ़ोन में आप अपने फ़ोन का नियंत्रण दें। यदि ये बात से सहमत हैं तो कृपया आगे शेयर करें 10 आदमियों